मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 200 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया है, जिसके बाद एक विशाल जनसभा के जरिए उन्होंने विपक्ष पर करारा वार भी किया है। यूपी में 2022 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार तोहफों की बौछार कर रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ बुधवार को फर्रुखाबाद की धरती पर उतरे, जहां क्रिश्चियन कॉलेज के मैदान में स्थित जनसभा स्थल पर सीएम योगी के लिए भव्य मंच तैयार किया गया था। लेकिन सीएम योगी ने फर्रुखाबाद में जनसभा को संबोधित करने से पहले फर्रुखाबाद में 200 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण किया। हमने आस्था का भी सम्मान दिया, गरीब को फ्री में अन्न की व्यवस्था की, सबको वैक्सीन फ्री में वैक्सीन दी, नौजवानों को नौकरी दी। सीएम योगी ने फर्रुखाबाद में विशाल जनसभा को संबोधित भी किया, जिसमें उन्होंने विपक्ष पर करारा हमला किया। अयोध्या में राम मंदिर बनने से खुश हैं सभी लोग, और अभी काशी में भगवान विश्वनाथ का धाम भी भव्य रूप से बन रहा है, आपने देख लिया ना, और फिर मथुरा वृंदावन कैसे छूट जाएगा। फ्री में वैक्सीन दी, नौजवानों को नौकरी दी, पहले ये नौकरी निकलती थी और समाजवादी पार्टी की सरकार में चाचा भी भतीजा भी और मां भारत के सभी रास्ते वसूली के लिए निकल पड़ते थे, समाजवादी पार्टी के लिए अपना परिवार ही प्रदेश था, बहन जी के लिए भी अपना परिवार ही प्रदेश था, कांग्रेस का कोई रहनुमा ही नहीं था, और भाइयों बहनों हमारे लिए प्रदेश की 25 करोड़ की आबादी ही परिवार है। 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव में वक्त बहुत कम रह गया है और विपक्ष बीजेपी को इस बार धूल चटाने को उतारू है। ऐसे में प्रदेश की योगी सरकार लगातार प्रदेश की जनता पर सौगातों की बारिश कर रही है, लेकिन ये सौगातें, जनसभाएं और रैलियां बीजेपी को किस हद तक जीत दिलाएगी, ये देखना दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। इधर